सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज भी आपको मेरे पीछे बोर्ड पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी में हमने पढ़ा है अब तक जो उससे रिलेटेड, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, एनिमल सेल्स के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था कि जो सेल थ्योरी है वो कैसे दी गई, या सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया, प्रोटोप्लाज्म जो है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं वो क्या था। कल हमने फिगर के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की कि जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की हम बात करें, तो उन ऑर्गेनेल्स की हमने स्थिति और शॉर्टली उनके बारे में जानने की कोशिश की कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं सेल से ही रिलेटेड, लेकिन आज हम बात करेंगे जो सेल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। देखिए, सेल सबसे पहले बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला है आपका प्रोटोप्लाज्म, दूसरे नंबर पर है वैक्यूल और तीसरे नंबर पर है सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म जानते ही हैं, जीव द्रव्य को कहा जाता है, वैक्यूल रिक्तिका होती है और सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे पहले कोशिका, कोई भी सेल की बात करें तो वो इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं कि इसे लिविंग मैटर कहा था पुर्किंजे ने, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं वैक्यूल के डिवीजन की। वैक्यूल का आगे कोई डिवीजन नहीं होता है, ऐसे ही सेल वॉल का आगे कोई डिवीजन नहीं होता है। जो डिवीजन होता है आगे वो होता है प्रोटोप्लाज्म का, और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है मींस जो अंदर एक लिक्विडी मीडियम होता है, कोलाइडियल टाइप का मीडियम होता है। आगे एक एक ऑर्गेनेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो मीडियम होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये टू पार्ट्स में कौन सा डिवीजन होगा? पहला डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा मिलता है वो भी एक प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाइंडअप होता है। तो इसका एक डिवीजन कहां जाता है? न्यूक्लियस में जाता है, और दूसरा डिवीजन जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अंदर यानी कि केंद्रक न्यूक्लियस जो है उसके बाहर की ओर जो लिक्विड बिखरा हुआ होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, साइटो मींस होता है सेल, प्लाज्म मींस होता है उसके अंदर पाया जाने वाला पदार्थ या वो लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, इन टू पार्ट्स में प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फिर से फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन से चार पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के? पहला पार्ट होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कल पढ़ा था कि जब हमने न्यूक्लियस बनाया था तो उसके बाहर जो झिल्ली थी, बाहर जो उसकी लाइनिंग थी, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पर आया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विडी मीडियम है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क की अगर हम यहाँ बात करें तो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं दो तरीके के, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन आगे पढ़ेंगे इसको हम, सॉरी सी आगे पढ़ेंगे हम इसको हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरे इसमें होते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर आपको रफली ध्यान में आ रहा होगा तो मैं हल्का सा एक फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ। हमने ये न्यूक्लियस पढ़ा था जिसमें हमने बाहर की तरफ ये कुछ पोर्स दिखाए थे जिसे हम न्यूक्लियोपोर बोल रहे थे। ये थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर मिलने वाला जो लिक्विड था वो न्यूक्लियोप्लाज्म था। अंदर एक छोटी सी और संरचना थी जिसे हम कहते थे न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो केंद्रिका। इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके के थ्रेड्स बनाए थे, आप लास्ट वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं, इस तरीके के हमने कुछ थ्रेड्स बनाए थे। तो यही होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। कुछ होते हैं हल्के रंग के और कुछ होते हैं गहरे रंग के। जो गहरे रंग के होते हैं वो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हल्के रंग के होते हैं यूक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन नेटवर्क तीसरा डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का। अगली बात करें न्यूक्लियोलस,
एक केंद्रिका होती है जो न्यूक्लियस के बीच में एक स्पॉट जैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट हो गए? चार पार्ट हो गए। स्ट्रक्चरल बेसिस उसके फोर पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का, जो सेकेंड डिवीजन था। सेकेंड डिवीजन था यहाँ पर साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका का जो द्रव्य है उसके बारे में। दो तरीके से तो डिवाइडेड था, एक केंद्रक के अंदर था और एक केंद्रक के बाहर की ओर था, लेकिन भित्ति के अंदर था। ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला मिडिल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मिडिल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म मीन्स टू लेयर्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म मिलता है, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो हमने कल जब डायग्राम बनाया था, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, हमने जब डायग्राम बनाया था तो ये मेम्ब्रेन के बीच में कुछ इस तरीके का डायग्राम था। तो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक लिक्विडी मीडियम हमने दिया था, वही था हमारा जो बिटवीन टू लेयर्स जो प्लाज्म मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मिडिल पोर्शन साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के दूसरे उसकी, ये थे आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दो तरीके से इसका भी डिवीजन है, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट। तो दो पार्ट में ये क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, और ये जो मिडिल पोर्शन वाली हम बात कर रहे हैं ये कहाँ आएगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंतर्गत ये पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना दे रही हूँ। हमने यहाँ कल एक कोशिका बनाई थी इस तरीके से, प्लांट सेल, इस तरीके से एक प्लांट सेल हमने यहाँ वहां कल फॉर्म की थी और उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से एक प्लांट सेल थी, ऐसा स्ट्रक्चर था। ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे क्योंकि जो अभी हमें समझना है वो इतने नहीं समझ में आ जाएगा। ये है मिडिल पोर्शन साइटोप्लाज्म जो कि कोशिका के अंदर उपस्थित है, ठीक है। लेयर्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, जब ये लेयर्स के बीच में है तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये दो तरीके के होते हैं, एक प्लाज्मा लेमा और दूसरा होता है टोनोप्लास्ट। यहां पर बात कर रहे हैं हम इस वाले भाग की, ये वाले भाग को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये वाला फिर डिवीजन यहीं पर रुक जाएगा, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट तक। मिडिल पोर्शन साइटोप्लाज्म होगा, ये फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट इसका होगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में कोशिकांग उपस्थित हैं वो। दूसरा इसमें होगा साइटोसोल, यानी इसमें तीन तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें रिजर्व प्रोडक्ट्स यानी कि जो संचित पदार्थ होंगे, दूसरे सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो कि स्रवित होने वाले पदार्थ होंगे, और तीसरे होंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ होंगे। तो साइटोसोल को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, रिजर्व प्रोडक्ट, सीक्रेटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में वो सारे ऑर्गेनेल्स आएंगे जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स हमने कल देखे थे, कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी हमने डायग्राम में बनाए थे आपके प्लास्टिड्स, क्लियर, प्लांट सेल में हमने बनाए थे प्लास्टिड्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी, फ्लैजिलम, ध्यान में आ रहा होगा आपको, हमने फ्लैजिलम बैक्टीरियल सेल में फॉर्म किया था, बनाया था। सीलियम भी इसके अंतर्गत आएगा, या तो फ्लैजिलम या सीलियम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के तरीके से है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, किसमें है, सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत है। लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो इस वाले पोर्शन में उपस्थित हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साइटोसोल की। साइटोसोल को भी तीन पार्ट में, जैसे हमने कहा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व प्रोडक्ट, सेकेंड सीक्रेटरी प्रोडक्ट और थर्ड वन हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। रिजर्व प्रोडक्ट में वो होंगे जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर संचित रूप में रह जाते हैं और टाइम टू टाइम उनका यूज कर लिया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट हो गए, फैट्स एंड ऑयल्स हो गए। हम जानते हैं कोशिका के अंदर या सेल के अंदर ये स्टोर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी बात करें सीक्रेटरी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिनका कोशिका से सीक्रेशन होता रहता है, श्रवण होता रहता है या बहाव होता रहता है,
ऐसे प्रोडक्ट कहे जाते हैं सीक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी जैसे कलरिंग प्रोडक्ट हो गए, दूसरे एंजाइम्स हो गए और तीसरे क्या हो गए, नेक्टर हो गए। तो ये तीन तरीके के प्रोडक्ट किसमें आएंगे, सीक्रेटरी प्रोडक्ट में आएंगे। बात कर लेते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो होंगे जिनका कोशिका के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि कोशिका से जो बाहर निकाले जाते हैं, क्लियर। जिनमें क्या आएंगे, एल्केलॉइड्स, रेजिन्स, गम्स, मिनरल क्रिस्टल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, लेटेक्स और एसेंशियल ऑयल्स, क्लियर हो गया। तो ये था डिवीजन। एक सेल एक्चुअल में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो मेन इसके तीन ही पार्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल। बाद में जाके इनका डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल वॉल और वैक्यूल वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और जो प्रोटोप्लाज्म है आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड प्लाज्म होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जो कोशिका के बाहर की ओर बिखरा हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से रिलेटेड फोर पार्ट्स में डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस टू पार्ट के बाद फिर से जो डिवीजन स्टार्ट होगा, जो मिडिल लेयर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वाला है, टू पार्ट्स में डिवाइड होकर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, मींस प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट। मिडिल पोर्शन साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यहां उन और भागों को रखते हैं जो कोशिका के महत्वपूर्ण भाग होते हैं और कोशिका के लिए काम करते हैं, मींस जैसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, डिवीजन के लिए होते हैं या उसमें फोटोसिंथेसिस होना है, इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स या ऑर्गेनेल्स इसके अंतर्गत आते हैं। फिर साइटोसोल में जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, जिनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे हैं जो रुके रहेंगे, मीन्स स्टोर्ड रहेंगे, जिनको हमने रिजर्व्ड कहा। कुछ ऐसे हैं जो सीक्रेट होते रहते हैं, उनको हमने सीक्रेटरी प्रोडक्ट कहा, जिनका श्रवण होता रहता है, जैसे नेक्टर वगैरह हम कह रहे हैं। एक्सक्रीटरी जो बॉडी से बाहर, मींस बॉडी ना कहते हैं, सेल कहेंगे, सेल से जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे रेजिन की फॉर्म में, गम की फॉर्म में, वो आपके कौन से होंगे, सेल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। तो फिलहाल ये आगे का सेल समझने के लिए, ऑर्गेनेल्स को समझने के लिए ये जरूरी था कि एक सेल का हमें डिवीजन पता हो कि एक्चुअल सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक्चुअल सेल तीन ही पार्ट में डिवाइडेड है, जो फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद आगे डिवीजन आगे बढ़ता है। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे और इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स रिलेटेड एक तो हम सिंगल वीडियो बनाएं जिसमें लगभग सभी सेल ऑर्गेनेल को हम इंक्लूड कर ले, दूसरा हम एक एक वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनेल से रिलेटेड, ताकि मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का क्या नेचर है, प्रोटोप्लाज्म का क्या कार्य है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस कर सके। माइन्यूट अगर क्वेश्चंस उसके आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, इस बात को ध्यान में रख के वो वीडियोस बनाएंगे। तो पूरी अपेक्षा है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप लगातार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सबसे ज्यादा जरूरी आप हमारे साथ लगातार बने रहे। आपके लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।